जैसे हम लोग सब है नॉटी, वैसी ही है फिल्म, जितना नॉटी होना है उतना है, तो बस क्या अभी कहते हैं। बात की जाए कास्टिंग में, तो लाइक कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स या कुछ आई थी कास्टिंग में? कास्टिंग में नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी एक्चुअली, सारे जिनको मैंने सोचा था वही लोग हैं इस फिल्म में। नहीं, मेरे बारे में इनको लगा था कि मैं बहुत हैंडसम हूँ ये रोल प्ले करने के लिए, ऐसा ही कह रहे थे किसी और एक इंटरव्यू में, लेकिन अब कह नहीं रहे। देखिए, 3 दिन कैमरे लगे हैं तो ये बोल नहीं रहे ऐसे कुछ। हाँ, तो फिर मुझे दिखाना पड़ा कुछ मेरा थोड़ा अगली साइड इस फिल्म में। हंटर फिल्म में मेरे किरदार का नाम है मंदार पोंक्षे, बहुत ही मध्यम वर्गीय आदमी है, साधारण सा आदमी है, और बिल्कुल एक जो देखिए कैसोनोवा टर्म जिसको यूज कर सकता हूँ मैं मंदार के साथ, लेकिन उसके साथ क्या है ना, थोड़ा सा ग्लैमराइज हो जाता है जो वर्ड कैसोनोवा प्लेबॉय यूज़ करेंगे तो लोग उसका परसेप्शन समझें कि बहुत हैंडसम आदमी है, बहुत डैशिंग आदमी है, लेकिन मंदार उस टाइप का नहीं है। मंदार चाहता है कि वो अलग अलग लड़की लड़कियाँ और औरतों के साथ शारीरिक संबंध रखे, लेकिन वो एकदम प्लेबॉय कैसोनोवा टाइप का नहीं है। तो उसके लिए यहाँ पे एक टर्म है, उसको वासु कहते हैं। मंदार एक वासु आदमी है जो वास लेता है, जो वासना का पुजारी है, लेकिन बहुत ही मिडिल क्लास, बहुत ही ऑर्डिनरी सा उसका किरदार है। तो हेड टर्नर नहीं है कुछ अच्छे, बिल्कुल हीरोगिरी मतलब 1% भी उसके अंदर नहीं है। तो जो भी उसको करना होता है डरपोक है, लेकिन वो डेयरिंग करके कुछ कुछ हासिल कर लेता है। इतना ही था कि शादी होके कुछ साल बीत गए, ऐसी एक औरत है तो वो थोड़ा, वो कैसा उसका मानसिकता उसकी कैसी रहेगी, ये सोचने में थोड़ा मुझे थोड़ा स्ट्रगल था मेरे लिए और थोड़ा चैलेंजिंग था। लेकिन क्योंकि ये ये जो एक्चुअली है नहीं उस उम्र की, तो शी इज रियली हाँ यंग, सो उनको प्ले करना था थोड़ा ओल्डर लेडी का, और दिखती भी नहीं है, तो काफी कुछ मेहनत करना पड़ा इनको एक्चुअली एज करने में हमको। तो अपना इमेजिनेशन पूरा निचोड़ के और ऑब्जर्वेशंस जो हम जिंदगी में करते हैं उनको सब इकट्ठा करके मैंने ये किरदार निभाया है, और आई होप पीपल, इट इज़ कन्विंसिंग इनफ एंड पीपल लाइक इट। कोई चैलेंजिंग नहीं था नहीं, उसके लिए कुछ नहीं था। इतनी अच्छी एक्ट्रेस है वो, उसके लिए इजी है, सब कुछ इजी ले, 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 ले रहे बाकी कुछ नहीं। तो चैलेंज मतलब ऐसा कुछ एक अलग एक्स्ट्रा कुछ नहीं था कि एक्स्ट्रा एडेड चैलेंज, पर चैलेंज ऑन द अदर साइड ये था कि इनको चीज़ें इतनी सादी और इतनी कम पसंद है, मतलब मिनिमम सटल पसंद है, तो वो करने में बहुत चैलेंज था। मतलब आई रिमेम्बर कि 15-15, 17-17 टेक करते थे हम, उसके पहले रिहर्सल्स करते थे, और ये बोलता था कि ये कट डाउन करो, ये कट डाउन करो, और कम करो, और कम करो, और फिर जो जितना चाहिए बस उतना करो। एंड दैट वाज अ वेरी 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 गुड लर्निंग प्रोसेस फॉर मी। सो दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज, टू एक्चुअली लिटरली नॉट डू एनीथिंग एंड कन्वे व्हाट वाज टू बी कन्वेड। हाँ, कपड़े सबसे ज्यादा पहना है और कम करवाया तो बस एक्टिंग नहीं। कपड़े बहुत पहले हैं एक्चुअली, ये बहुत एफर्टलेस है और बहुत ही इंट्यूटिवली इंटेलिजेंट एक्ट्रेस है, फिर भी 17 टेक कर रहे हैं। नहीं, वो एक्चुअली रिहर्सल किसी और के लिए होता था, जे जे के लिए, मेरे लिए, हम लोग समझ रहे थे कि क्या है। 17 टेक वो पहला शॉट जो उसने दिया था वहीं फंसी हुई है, बाकी सब 17 टेक नहीं दिया था उसने। पर एक्चुअली नहीं, मैं अच्छा बोल रही हूँ यार। नहीं, बट मैं एट द सेम टाइम आई मीन कॉम्प्लीमेंटिंग हर कि स्क्रिप्ट इतना अच्छे से उसने खुद ही सोच के, यू नो, शी हैज एक्चुअली रेड इट सो वेल एंड शी हैज एनालाइज्ड इट एंड शी ब्रॉट इन सो मेनी थिंग्स, तो वो एक एफर्टलेस ईज है राधिका में, तो वो कर देती है। वो बहुत अंडर प्ले करती है कि मैं तो बस ऐसे ही हूँ करती हूँ। मैं ये कहना चाहूँगी कि आजकल हम सब लोग बहुत ज़्यादा ओपन हो गए हैं, जो चीज़ें टैबू मानी जाती है उनके बारे में हम खुल ओपन हार्ट से बात कर सकते हैं, इसीलिए समटाइम्स देर इज सेक्शुअलिटी इन द इन फिल्म्स, और उसके बारे में बात करने के लिए कोई अभी दीवारें नहीं है या कोई संकोच नहीं है। ऑडियंस का रिसीव करने का तरीका भी थोड़ा बदल गया है, दे आर ओपन टू ऑल दिस, और दैट इज़ व्हाई आई थिंक सेक्सुअलिटी जहाँ पे ज़रूरत है, क्योंकि हमारा विषय ही ऐसा है कि हमारे प्रोटैगनिस्ट को ही इज़ ऑब्सेस्ड विद सेक्स, दैट इज़ व्हाई अ हिंट ऑफ सेक्सुअलिटी। अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि एक सेलेबल ऑब्जेक्ट है, इसलिए सेक्सुअलिटी नहीं होनी चाहिए। अगर विषय की गरज है, ज़रूरत है, तो सेक्सुअलिटी है, और वैसे हमारी फिल्म में है। बट देर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल सेक्सुअलिटी के साथ, देर आर इमोशंस, देर इज़ ह्यूमर, देर इज़ लव, देर आर लव स्टोरीज़।